देश को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। 1954 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठकर देश की जनजातियों की किस्मत का फैसला लिख रहे थे कि जनजातियों को लेकर आजाद भारत की नीति क्या होगी। लेकिन ये नीति लिखते समय उन्होंने भरोसा किया एक अंग्रेज के ऊपर, एक अंग्रेज जिसे भारत की सबसे पहले नागरिकता दी गई थी, एक अंग्रेज जिसकी लिखी गई लाइनें, जिसके लिखे गए नियम आज भी जनजातियों को लेकर पत्थर की लकीर मानी जाती है। ये अंग्रेज कोई और नहीं वेरियर एल्विन थे। वेरियर एल्विन की कहानी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी है। उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी बिताया है। आज जब कभी भी जनजातियों की बात होती है, जब कभी भी जनजातियों को लेकर नीति की बात होती है, तो उसमें वेरियर एल्विन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वेरियर एल्विन का एक दूसरा किरदार भी है और इस किरदार के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण दुबे। प्रवीण दुबे वैसे तो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ किसी मीडिया कर्मी के नाते नहीं, एक लेखक के नाते हैं। एक लेखक जिसने वेरियर एल्विन की पत्नी रही कोशी के ऊपर किताब लिखी है। इस किताब को लिखने के दौरान वो वेरियर एल्विन के चरित्र के भी सामने आए थे। आज हम प्रवीण दुबे जी से बात करेंगे और वेरियर एल्विन के चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक ऐसे विषय के ऊपर किताब लिखी, एक ऐसी महिला के ऊपर किताब लिखी जो महिला मध्य प्रदेश के किसी ऐसे दूरस्थ कोने में है जहां पर आज तक इंटरनेट भी सही से नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में आपको क्यों लगा कि उस महिला की कहानी देश के सामने, दुनिया के सामने आनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उस किताब के पीछे। अव्वल तो मतलब मेरी उसे आप क्षेत्रीयता, सबसे पहली वजह क्षेत्रीयता। मैं वहीं का हूँ रहने वाला, मतलब जिसे स्थानीयता भी कहते हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। बचपन से पढ़ा बहुत और वेरियर एल्विन को महिमा मंडित होते देखा कि अभी भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा लोग उसे महिमा मंडित करते हैं। ये माना जाता है कि ट्राइबल की जितनी भी बड़ी थ्योरी हैं वो वेरियर एल्विन की दी हुई है। वो बिना शक उनने काम बहुत अच्छा किया था वहाँ ट्राइबल के इलाके में। लेकिन ये मतलब मुझे ऐसे लगता था कि एक महिला को कहीं टूल्स की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया। शुरुआत ऐसे ही एक ख्याल से आई कि क्या सब्जेक्ट थी कोसी, तो मैं बहुत देर बैठता था, उनके पास बात करता था, बहुत सारा उस पर होमवर्क किया, लगभग सालों किया, 7-8 साल किया। फिर हमको लगा कि नहीं, ये चीट हुई है, ये महिला इसके साथ ठीक नहीं हुआ। और मैं चूँकि जैसे बताया कि मैं उसी इलाके का हूँ तो आदिवासियों से हमको लगाव बहुत है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक आदिवासी महिला के शोषण की कहानी है ये और उसका उजला पक्ष सबको पता है एल्विन का। और इतनी किताबें बिक्री पड़ी हैं, जो ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर हो तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा नाम वैसे भी है वो, और उस समय सत्ता के जो केंद्र थे गांधी जी, नेहरू जी, इन सबका बहुत करीबी, बिल्कुल पारिवारिक की तरह। और तो उसका आप जिक्र कर रहे हो, उसे आप याद कर रहे हो और कोसी भुला दी गई, तो ऐसे मुझे मैंने एक अपने इलाके की एक ट्राइबल लड़की जो बहुत कम उम्र में शादी हुई, बहुत कम उम्र में बच्चे हो गए, बहुत कम उम्र में परित्यक्ता हो गई और फिर लंबा वैधव्य जिसने सहा, तो एक तरह के हम अगर एक लाइन में कहूँ तो आक्रोश की उपज थी वो। प्रवीण जी, आज के भारतीय समाज की जो समझ है जनजातियों को लेकर, ट्राइबल्स को लेकर, ये समझ बहुत हद तक वेरियर एल्विन ने बनाई है। जो लोग एसी कमरों में बैठते हैं वो वेरियर एल्विन की किताबें पढ़ के जनजातियों को जानते हैं, ट्राइबल्स को जानते हैं। आपके हिसाब से वेरियर एल्विन ने किस तरीके से प्रभावित किया है इस समझ को, और वेरियर एल्विन कौन था, वेरियर एल्विन का चरित्र क्या था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्राइबल की जो जितनी भी सर्वमान्य थ्योरी अभी देश में चल रही है वो वेरियर एल्विन की ही दी हुई है। उन्होंने द बैगाज, द भूरियाज, द मारियाज, जितनी भी जनजातियाँ हमारे यहाँ हैं उन पर बहुत काम किया। लेकिन उनकी प्रासंगिकता मुझे ऐसे लगता है कि आज़ादी के बाद से उन सिद्धांतों की धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई, क्योंकि तब के परिवेश, आज के परिवेश, तब का विकास, आज के विकास, बहुत फ़र्क है इन चीज़ों, लेकिन फिर भी लोग अपनाते हैं। तो ये उनका जो वो वाला पक्ष है विद्वता का, उसे नकार नहीं सकता कोई, मैं भी नहीं नकारूंगा बिल्कुल भी, कि भाई ठीक है, बहुत विद्वान थे, इसमें दो राय नहीं, बहुत साइंटिफिक तरीके से किताबें लिखते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि मैं कैसे मानता हूँ उन्हें,
तो जाहिर बात है कि इतनी आज़ादी आप मुझे दे रहे हो कि मैं उन्हें अपने हिसाब से परिभाषित कर सकूं, अपने अध्ययन के हिसाब से परिभाषित कर सकूं, जितना मैंने उन्हें कोशी के जरिए जाना, क्योंकि मैं एलविन का समकालीन नहीं हूँ, 65 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन कोशी के जरिए जितना मैंने जाना, मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब एज ए ह्यूमन बींग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विद्वता को हम एक बार परे रखते हैं, विद्वान रावण भी था लेकिन पूजा नहीं जाता, मैंने अपने उस नॉवेल में लिखा भी है कि भाई विद्वता अगर आपके पास है सिर्फ इस वजह से आप आदर के हकदार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरह से यूज़ किया हमारे यहाँ के ट्राइबल को, हमारे यहाँ जब मैं उच्चारित करूँ तो इसका मतलब ये डिंडोरी और मंडला और वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो गोंड, जो गोंड बैगा, ये जो जनजाति है, उनका जितना उसने इस्तेमाल किया, पूरी चीज़ें आप देखो कि उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनके दोस्तों की भी पढ़ो, मैंने पढ़ी है बहुत ज़्यादा, तो वो यूज़ करते थे ट्राइबल को, वो यूज़ करते थे, मतलब उन्हें लगा कि ठीक है बैगाओं पे लिख रहे हैं तो लोकल ट्राइबल को यूज़ किया, फिर उनसे उनके कस्टम कल्चर और इन पे बात करी, फिर उनको आवश्यक फ़ोटो यदि उससे ज़रूरी है, भाई हम सब जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो हम ये जानते हैं कि भाई हमको उनको उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक फ़ोटो ज़रूर ज़रूरी होगा उसके लिए, जो आप बोल रहे हो या जो मैं बोल रहा हूँ या वीडियो के लिए कर रहा हूँ, तो एक इस्टेब्लिशिंग वीडियो हमें चाहिए होगा, तो वो भी विद्वान आदमी तो जानता था, तो उसे फ़ोटो चाहिए होती थी, तो फ़ोटो चाहिए तो कोशी को फोटोग्राफी सिखा दी, ट्राइबल महिलाओं के नहाते हुए फ़ोटो या इस तरह के फ़ोटो अभी भी नहीं खींचे जा सकते, उस समय तो बहुत ही उस तरह की बात थी कि भाई वो थोड़ा संकोची, थोड़ा इस तरह की, मैंने अपने स्वाभिमान को लेकर सतर्क अमूमन हर महिला होती देश की, वो थोड़ा ज़्यादा भी होती, तो ऐसे यूज़ किया उसने कि भाई कंटेंट जुटाना है तो ट्राइबल, तो या तो गोंड होगा या बैगा होगा, फोटो वो न्यूज़ या फ़ोटो जो भी कंटेंट में, दोनों चीज़ें शामिल हैं, उनके बीच ग्राहता बढ़ानी है तो ट्राइबल, वो अपने साथ एक व्यक्ति लेके चला जब गांधी जी के वर्धा वाले आश्रम से, तो वो इंडियन श्याम राव हिवाले उनके साथ थे, उसको पता था कि भाई मुझे गाली दी जा सकती क्योंकि एक आक्रोश अंग्रेज़ों के को लेके हमारे देश भर में पनप रहा था, उसे पता था कि भाई चेहरा अंग्रेज है, वो दिखता अंग्रेज, मतलब थाई अंग्रेज, तो उसे बैलेंस करने के लिए उसने एक इंडियन साथ रखा। फिर उसके बाद वहाँ जो गया तो वहाँ जसड़वा छापर, पाटनगढ़, जितनी भी वहाँ की जगह है, वो उन सभी जगह उसने आदिवासियों को साथ रखा, उनकी शादियों में जाता, उनके उसमें जाता, ये भी हो सकता है कि अपनी विषय वस्तु भी तलाशता होगा, दूसरा ग्राहता ही बनाता था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और फिर कोसी बाई का प्रसंग इतना भी होता तो चलिए हम मान लेते कि हम आप भी अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और सोर्सेज का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है कि चलिए आप संदर्भ जो भी है आपका आप उसके साथ तादात्म बनाओगे तभी आप आगे जाओगे, लेकिन फिर उसके लिए शादी कर लो, फिर इसलिए बच्चे पैदा कर दो, चार साल में छोड़ दो आप, फिर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा, फिर दूसरी एक महिला के साथ चले जाओ, जो एरिए बैरियर एलविन पे जो रेप के मामले चले जिनके पेपर हैं मेरे पास, वो किसी तीसरी महिला के हैं, वो भी ट्राइबल है, तो इसका मतलब तो आदतन, मतलब स्वभाव से ही लंपट व्यक्ति था भाई, तो मतलब अगर ऐसी अगर स्थिति हो तो फिर मुझे उसके लिए एक बड़ा गुस्सा हुआ। और मैं विद्वान उन्हें मानता हूँ बेशक, इंसान बहुत अच्छा नहीं मानता। जैसा आप भी मान रहे हैं कि वैरियर एलविन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत अध्ययन किया है, लेकिन उसके बाद भी वैरियर एलविन जनजातीय समाज की नब्ज कभी नहीं पकड़ पाए, उन्हें कभी भी भारतीय दृष्टि से नहीं देख पाए, आपकी समझ में कमी कहाँ रह गई, वैरियर एलविन की दृष्टि में कहाँ कमी रह गई कि वो जनजातीय समाज को प्रभावी तरीके से उनको उनके मूल स्वरूप में नहीं समझ पाए? देखिए आज वो क्यों प्रासंगिक नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि एलविन चूंकि उनके पापा बिशप थे, मतलब ये अमूमन इस तरह की बात जो है वो भाजपा या संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग लगाते हैं, मैं मेरा दोनों से कोई संबद्धता नहीं है, फिर भी चूंकि उनके पापा बिशप थे, मुझे लगता है कि ये ईसाई मिशनरी के तौर पर ही इंडिया आया था, धर्मांतरण जो अभी तक एक बड़ा मुद्दा है वो शायद उसी मंतव्य के साथ आया वहीं पे काम करने के लिए, और बहुत आसान होता है गरीब और आदिवासी को आज भी लक्ष्य समूह बनाना धर्मांतरण के लिए, उस समय तो और सबसे सॉफ्ट टारगेट थे वो, क्यों, क्योंकि डिंडोरी और उसके आसपास अभी भी कुछ मिशनरीज वहाँ काम कर रही, उसी वक्त की आई हुई काम कर रही अभी भी, यदि वो इनके कल्याण या इनके उद्धार का लक्ष्य लेके आता तो ये मैंने कई बार भी ये बात पहले भी कही है, तो वहाँ स्कूल बनवाता, वहाँ हॉस्पिटल बनवाता, मतलब अभी भी डिंडोरी में कोई ऐसे बहुत अच्छे अस्पताल, एक जिला अस्पताल छोड़ दो तो बड़े अस्पताल नहीं, और उसके लिए चुटकी का काम था,
मतलब वो जो बोलता था वो नेहरू जी करते थे, आज़ाद होने के बाद देश, और आज़ाद होने के पहले तो वो बड़ा आदमी था ही, मतलब उसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती थी, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी नाम हैं बड़े, गांधी, नेहरू, सब करते थे। तो उसके लिए बहुत मामूली सी बात थी कि डिंडोरी में एक अस्पताल खोल दीजिए। क्यों मामूली थी, अब इसको इसके समर्थन का एक तर्क देता हूँ। जब उसने सड़वा छापर गाँव का अंदर का हिस्सा छोड़ा और वो मेन रोड में आया कि भाई कम्युनिकेशन जो होता है, चिट्ठियाँ, उन दिनों चिट्ठियाँ एक सबसे बड़ा जरिया थी, ये व्हाट्सएप फ़ोन तो थे नहीं, तो उसने कहा पोस्ट ऑफिस बना दिया जाए। अभी भी है डिंडोरी में गांव में वो पोस्ट ऑफिस, अभी भी वो बिल्डिंग अभी भी है पोस्ट ऑफिस। उसके कहने पे बन गया, एक डेढ़ दो महीने के अंदर बन गया। तो इससे अंदाज लगाइए कि उसकी हैसियत क्या थी। तो स्कूल बना देता हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए, वो अस्पताल बना देता हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए, नहीं बनाया उसने। स्कूल खोला, एक मिट्टी की जगह में खोला, जाते ही डिसमेंटल हो गया, मतलब वो जितने दिन था उतने दिन वो इसे स्कूल इसलिए कह सकते हैं कि भाई हम एक कमरे में बुला लें, बच्चे बुला लें, पढ़ा दें, और वो स्कूल नहीं है। वो वैसा स्कूल नहीं खोला उसने, वैसे हॉस्पिटल नहीं बनाए उसने। जब वो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग आज तक खड़ी रह सकती है उस समय की बनी हुई, तो वो भी स्कूल भी खड़े होते, वो नहीं बने। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके मूल में बिल्कुल भी आदिवासियों का कल्याण या आदिवासियों के लिए बात करना ये बिल्कुल नहीं था। एक वजह हो सकती है धर्मांतरण, एक वजह हो सकती है वो जो अपनी विद्वता का सार्वजनिक प्रदर्शन करने की जो अभिलाषा एक मन में थी वो हो गई पूरी, अभी तक चल रही है। और दूसरी मुझे लगती है कि धर्मांतरण एक वजह उसके मन में रही होगी कि भाई एक ईसाई मिशनरी के तौर पर यहाँ पर काम कराया जाए, और उस तरह से एक लंबा जो एक गिरोह काम करता है, गिरोह शब्द हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा तल्ख लगे, लेकिन ये उस तरह का ही एक प्रयास मुझे एल्विन के उसमें लगता है। प्रवीण जी, हमने वेरियर एल्विन के बारे में एक लंबी बात की। मुझे याद है जब हम 10वीं 12वीं में थे तो एक सवाल आता था कि इस कैरेक्टर का आप कैरेक्टर स्केच लिख के बताइए। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक मिनट में वेरियर एल्विन का कैरेक्टर स्केच बताइए तो आपके शब्द क्या होंगे? अभी हालांकि हमने विस्तार से उसी सब मसलों में बात की, लेकिन अगर अलग अलग शब्दों में परिभाषित करूं तो ठीक है, बहुत विद्वान, बहुत डूब के काम करने वाला, बहुत धुनी, बहुत जुनूनी, धूर्त, लंपट, और एक जो आखिरी शब्द है वो है चरम का स्वार्थी। मतलब इसमें एक ये इन पूरे शब्दों के हिसाब से मैं उस पूरी एक शख्सियत को परिभाषित कर सकता हूँ। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी लंबी बातचीत करने के लिए, अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आप भी वेरियर एल्विन को समझना चाहते हैं, अगर आप कोसी को समझना चाहते हैं, तो एक बार प्रवीण दुबे जी की किताब कोसी जरूर पढ़िए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।